हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम काफी कंपनी से आपके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं। वन बाय वन हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सैलरी पैकेज क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए, ठीक है। बाकी अगर किसी भी कंपनी से कोई भी हायरिंग आती है मैं वीडियो जरूर बनाता हूं, ठीक है। और कोई भी डेट आती है चाहे किसी भी कंपनी से, वो भी वीडियो में जरूर बना के अपलोड जरूर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी इन्फोसिस से रिलेटेड है, तो देख सकते हो ये इन्फो जो मेरा एक और चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर, उस पर मोस्टली वीडियोस है ना, जो मतलब कि कोई भी वीडियो हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, पढ़ना क्या चाहिए, फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट सैलरी, क्या ऐसा फ्रेशर ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं और सारी बिल्कुल मेरे खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अराउंड ये है 20 है ऐसा, है ना, हाँ 20 वीडियो है। तो आप एक बार जाके गो थ्रू जरूर होना, आपके जो भी डाउट होंगे ना ज्वाइनिंग के बाद इन्फोसिस में वो 100% क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यार एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने कल कोग्निजेंट की हायरिंग कवर की थी और लगभग 3 से 4 घंटों के अंदर ही वो मतलब कि वो होगी, क्लोज होगी। मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ये देखो, ये मैंने कल अभी तो 20 घंटे, मतलब कि जब मैंने ना अपलोड की थी वीडियो ना, तो आई थिंक मैंने 2-3 बजे अपलोड की होगी और आई थिंक 4:45 का ये आ गया कि ये इसकी डेडलाइन आ गई। ये देखो, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 19 अगस्त, 11:30 बजे तक ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तभी मैंने ऑब्वियसली ये वीडियो बनाई थी ना कि यार काफी लोग अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे ना फिर उसके बाद कमेंट आने लग गए कि मोस्टली कमेंट जो यही आते हैं कि लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है, तो ये आ रहा है कि डेडलाइन, देखो शोइंग डेडलाइन, डेडलाइन, डेडलाइन। तो मैं आपको ना वीडियो में तो दिख रहा है ना आपके सामने 19 अगस्त है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपडेट करके इमीडिएटली इन्होंने क्लोज कर दिया। ये यार पता नहीं ऐसे क्या है सीन, ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो 11 अगस्त, और वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो अभी 20 घंटे भी नहीं, देखो 19 अगस्त 11:30, और ये देखो आई थिंक वीडियो अपलोड होने के 2-3 घंटे बाद ही ये क्लोज हो गई। पता नहीं क्या चल रहा यार ये। सबसे पहली हायरिंग की अगर बात करें तो रिलायंस की तरफ से, और एक नहीं बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी प्रोफाइल्स के लिए, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपलोड किया गया, कोई भी लोकेशन से हो आप, कहीं से भी हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, केरला, उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी पता लग जाए कैसे क्या हो रहा है सीन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी चीज मेंशन है, कब अपलोड की गई, 12 अगस्त कल के दिन ही, ठीक है। और यहाँ पे और भी सारी चीजें आप देख सकते हो, अंडर ग्रेजुएट कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या एलिजिबल और स्किल सेट, और देख भी सकते हो एक्सपीरियंस बिल्कुल शून्य मांगा गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लाइक कर लेना। सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करें स्काइज की तरफ से है, और ये एसोसिएट या सीनियर एसोसिएट 0 से लेकर 5 ईयर तक का एक्सपीरियंस वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो, 2.5 से लेकर 3 LPA तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, आप 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड हायरिंग हमारी नेक्स्ट वेव की तरफ से है, ठीक है, और जो होने वाली है टोटली वर्क फ्रॉम होम बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जिसे BDA भी कहते हैं, ठीक है। और आपको लैंग्वेज भी कौन कौन सी आनी चाहिए, हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ा, ठीक है। इंग्लिश तो ऑब्वियस यार आनी ही चाहिए, और 6 डे वर्किंग है, वीकेंड ऑफ नहीं होने वाला, ठीक है, ध्यान रखना अप्लाई करते हुए। और जो हमारी नेक्स्ट हायरिंग है वो आ रही है आपके लिए एप्पल की तरफ से, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रोल अप करके थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो NI टेक्निकल स्पेशलिस्ट, ठीक है, और इसमें एलिजिबल होने, और यहाँ पे 2 चीजें मेंशन की गई हैं, और देख सकते हो आज के दिन, आज आई थिंक है हमारी 12 अगस्त, और आज के दिन ये अपलोड की गई है, ठीक है। तो मैं अगर स्क्रोल डाउन करूँ इसे, तो मैं पढ़ लेना हर चीज, क्योंकि मैं वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी ना, और काफी लोग फिर स्किप भी कर देंगे। बाकी मैं हर एक वीडियो, जितने भी मतलब जॉब मैं यहाँ पे अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो, हर एक के मैं लिंक हमेशा प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और अगली हायरिंग आपकी है विप्रो की तरफ से, ठीक है। तो विप्रो की जो हायरिंग है वो है एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है, और लोकेशन आपकी बेंगलोर की है। बाकी आपको बताइए, अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हो तो विप्रो वाले ज्यादा कुछ मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फंक्शनल स्किल लेवल, ये सारी चीजें सेम ही होती है, मतलब कि हमेशा जितनी भी हायरिंग आई हो ना, मतलब कोई भी प्रोफाइल के लिए हो, सेम ही चीज ये लोग लिखते रहते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात रही, क्योंकि ये 2 हायरिंग है और
दूसरी हायरिंग है विप्रो की तरफ से, ये है प्रोसेस एसोसिएट की, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा यहाँ ऐसा इनको देना चाहिए, ठीक है। देख सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो ये आपकी टाइपिंग की जॉब है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है, देख सकते हो। टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट विद 85% एक्यूरेसी, और फ्रेशर से लेकर 6 मंथ तक का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और अगली हायरिंग आपकी है विम्बियर की तरफ से, जो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर 1। और अगर इसकी डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ गया है आपका वीकेंड्स ओनली डे, ये सीजे हमको काफी पहले दिख गई, इसमें भी ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है। बाकी आप पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि ऐसे इनको ना यार ऐसा लिखना चाहिए हर कंपनी को, ताकि सामने वाले को एकदम पर्टिकुलरली पता लग जाए, ठीक है। और लास्ट हायरिंग आपकी सिटी की तरफ से, जो प्रोडक्शन सपोर्ट एनालिस्ट। तो एनालिस्ट की जब भी जॉब आती है ना, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एमएस एक्सेल अच्छी होनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं 0 से 18 ईयर का एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कोई भी डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है, ट्रबल शूटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों में अगर आपको नॉलेज है तो अप्लाई जरूर करना। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।